एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है कि सक्सीडेड बाइक क्या है, तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सक्सीडेड के बाद बाई नहीं बल्कि इन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये टॉपिक है सक्सीडेड इन और इसका मतलब होता है कामयाब हो गया। इस वर्ड का प्रेजेंट फॉर्म होता है सक्सीस्ड इन, जबकि इसका फ्यूचर होता है विल सक्सीस्ड इन। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो मैं नौकरी पाने में कामयाब हो जाऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल सक्सीड इन गेटिंग अ जॉब, यानी मैं एक नौकरी पाने में कामयाब हो जाऊंगा। ये सेंटेंस फ्यूचर का है, इसीलिए मैंने विल का इस्तेमाल किया। अगर आपको कहना हो मैं ज्यादा व्यूज पाने में कामयाब हो जाऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल सक्सीड इन गेटिंग मोर व्यूज, यानी मैं ज्यादा व्यूज पाने में कामयाब हो जाऊंगा। मैं खाना पकाने में कामयाब हो जाऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल सक्सीड इन कुकिंग फूड, यानी मैं खाना पकाने में कामयाब हो जाऊंगा। ये तीनों सेंटेंस फ्यूचर के हैं। आइए कुछ सेंटेंसेस प्रेजेंट के देख लें, उसके बाद हम कुछ सेंटेंसेस पास्ट का भी देखेंगे। यहाँ मैं आपको बता दूं कि सक्सीड इन के बाद हम एक जेरंड या नाउन का इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर उसके बाद कोई वर्ब लिखना होगा तो आप उसे आईएनजी फॉर्म में लिखेंगे, या अगर किसी चीज का नाम होगा यानी कोई नाउन होगा तो आप उसको वैसे लिख देंगे। अगर आपको कहना हो आप लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू सक्सीड इन मेकिंग पीपल फूल, यानी आप लोगों को बेवकूफ बनाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर आपको कहना हो वे लोग ज्यादा रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दे सक्सीड इन मेकिंग हाई स्कोर, यानी वे ज्यादा रन बनाने में कामयाब हो जाते हैं। आइए फ्रेंड्स कुछ एग्जांपल पास्ट का देख लें। मैं इंग्लिश पढ़ाने में कामयाब हो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई सक्सीडेड इन टीचिंग इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश पढ़ाने में कामयाब हो गया। मैं एक नौकरी पाने में कामयाब हो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई सक्सीडेड इन गेटिंग अ जॉब, यानी मैं एक नौकरी पाने में कामयाब हो गया। अगर आपको कहना हो वह एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही सक्सीडेड इन मेकिंग अ न्यू रिकॉर्ड, यानी वह एक नया रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हो गया। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया कि सक्सीड इन का मतलब होता है सफल हो जाना या कामयाब हो जाना, विल सक्सीड इन का मतलब होता है कामयाब हो जाएगा या सफल हो जाएगा, जबकि सक्सीडेड इन का मतलब होता है कामयाब हो गया या सफल हो गया। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।